अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स आपकी बुक का जो आर्टिकल है फोर्स एंड मोमेंटम, या इसको न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी बुक की एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम या फोर्स एंड मोमेंटम को डिस्क्राइब करने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसकी हेल्प से इस आर्टिकल को समझेंगे। सपोज करें आपके पास एक बॉल है, इस बॉल का जो मास है वो एम है, जिसको मैंने स्मॉल एम कह दिया, और ये इस डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया है वी आई से। अब आप जानते हैं कि जो मोमेंटम है उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और वो किस उसका फार्मूला क्या होता है, वो प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। तो इस केस में इस बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रोडक्ट होगा इसकी मास और इसकी वेलोसिटी का, तो वो होगा एम इंटू वी आई, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। अब क्या होता है कि एक फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स की वजह से ये जो बॉल है ये मूव करती है। तो जैसे ही ये बॉल पहले भी मूव कर रही थी, लेकिन इस फोर्स के लगने से इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको पता है कि चेंज हो गई जब ये फोर्स इस पे एक्ट करेगी। तो उसकी जो न्यू वाली वेलोसिटी है, जो इस फोर्स के एक्ट करने से इस बॉल की जो न्यू वेलोसिटी है उसको मैं क्या देता हूँ, वो वी एफ है। और इस बॉल का जो मास है वो तो जाहिर सी बात है चेंज नहीं होगा, तो उसका जो मास है वो एम ही है। तो अब इसका जो मोमेंटम होगा उसका जो इस मोमेंटम को मैं नेम देता हूँ, ये इसका फाइनल मोमेंटम है, और इसको लिख लेते हैं कि ये वाला जो मोमेंटम है ये एम वी एफ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। तो अब ये जो दो टर्म्स हमने लिखी हैं, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इसको जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अब चूंकि ये इनिशियल मोमेंटम है तो इसलिए हम इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट में आई लिख दिया है, तो ये हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी आई से, और मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एम वी। अब वी आई चूंकि इसकी वेलोसिटी है इनिशियल, इस वजह से इस वी के साथ भी क्या लिखा दिया, सबस्क्रिप्ट आई लगा दिया। सिमिलरली जो फाइनल मोमेंटम है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एफ से, और इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, फिर एम वी, और साथ में सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, एफ। तो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और इस बॉडी का जो है वो फाइनल मोमेंटम आ गया। अब अगर हम चेंज निकालना चाहें कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है वो किस तरह से आएगा, तो वो डेफिनेटली फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम फिर किसके इक्वल हुआ, फाइनल मोमेंटम दैट इज पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई। अब इस रिलेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम को हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी बुक की लाइन है, जो चेंज इन मोमेंटम है यहाँ पे हमने लिखा वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की जगह में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पी एफ माइनस पी आई। अब जो फाइनल मोमेंटम है हमारे पास वो उसकी वैल्यू ये थी, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल था, एम इंटू वी एफ। तो इसकी जगह फाइनल मोमेंटम की जगह क्या लिख दिया, एम इंटू वी एफ। और जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था उसकी वैल्यू क्या है, एम इंटू वी आई। तो इनिशियल मोमेंटम की जगह हमने क्या लिख दिया, एम इंटू वी आई। अब अगर हम किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट ऑफ चेंज बन जाता है। अब देखें, ये तो था चेंज इन मोमेंटम, अगर इस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस क्वांटिटी का क्या मिलता है हमें, रेट ऑफ चेंज। जैसे अगर आपको याद हो तो हमें अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते थे तो इसको हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हम इसे किससे डिवाइड कर रहे होते थे, टाइम से डिवाइड कर रहे होते थे। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसको हमने एक स्पेशल नेम भी दिया था, दैट इज एक्सेलरेशन। ये एग्जांपल था समझने के लिए। अब ये वाला जो हमारे पास मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई, अगर हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसको टाइम से डिवाइड करना होगा। तो हमने इसको टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला जो टर्म आई है ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। अब दोनों साइड से टाइम से डिवाइड किया है तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, देखें इन दो टर्म में से
राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, एम को हम कॉमन लें तो अंदर क्या चीज बचेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब अभी हमने बात की कि ये जो टर्म है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये किसके इक्वल है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह इसी इक्वेशन में हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखें तो ये हमारे पास एम पहले से है और यहाँ पे ए आएगा, तो ये एम ए, ये तो वही फॉर्म बन गई जो कि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में एफ को किसके इक्वल लिखा था, मास एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि एम ए की जगह जो है वो हम किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फोर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। अब इस रिलेशन में एम ए की जगह हमने क्या लिख दिया, फोर्स, लेफ्ट साइड वैसी की वैसे आ गई। अब ये देखें ये जो लेफ्ट साइड है ये एक्चुअली बन क्या रही है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन रहा है हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल आई है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आई है। तो ये हमारे पास देखें ये नेट फोर्स है या फोर्स है, जो कि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में जब डिस्कस किया था तो उसको एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल लिखा था। अब यही वाली जो फोर्स है हमारे पास ये किसके इक्वल आ रही है, चेंज इन मोमेंटम के, अगर मोर प्रिसाइजली बात करूँ तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, कोई नेट फोर्स एक्ट करती है, तो वो वाली जो नेट फोर्स है उसकी वजह से उस बॉडी के जो मोमेंटम है उसके अंदर चेंज आता है। तो अब इसको स्टेट भी हम कर लेते हैं कि ये वाली जो अभी हमने बातें की हैं, इसको आपकी बुक में जो लास्ट ये पिंक कलर का पैराग्राफ है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, इसको मैं आपके लिए रीड भी कर लेता हूँ। ये कंक्लूजन आप समझ लें या इसकी स्टेटमेंट समझ लें कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अभी आपने देखा कि फोर्स एक्ट की थी तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई थी वी आई से वी एफ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसी बात को उसने लिखा, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, के ये वाला जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो बॉडी का मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह, और वही वाली जो फोर्स है उसका रिलेशन हमने देखा कि वो किसके इक्वल होता है, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी के इक्वल आता है। अब यहाँ से हम जो मोमेंटम का एसआई यूनिट है उसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं मोमेंटम का एसआई यूनिट लिखूँ तो देखें ये इस इक्वेशन पे ज़रा सा गौर करें, तो यहाँ से जो पी एफ माइनस पी आई है अगर मैं वो लिखूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा पी एफ माइनस पी आई किसके इक्वल आएगा जी, इस इक्वेशन से ये टी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके एफ के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा एफ इंटू टी के इक्वल आएगा। अब हमें पता है कि जो फोर्स है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन, और जो हमारे पास टाइम है उसका एसआई यूनिट है सेकेंड। तो फिर जो मोमेंटम का एसआई यूनिट बनेगा वो का क्या बनेगा, न्यूटन, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो किसके इक्वल आया, फिर न्यूटन इंटू सेकेंड के इक्वल आया। अब इसे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है 3.6 उसको सॉल्व करते हैं, इसके स्टेटमेंट को ज़रा रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds। अब इसमें जो उसने गिवन वैल्यूज दी हुई हैं, उसने ये बताया कि एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 5 kg है और वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको इनिशियल वेलोसिटी क्यों कहा, आप देखें यहाँ पे उसने बताया कि विद अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, और जब हम बॉडी को स्टॉप करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 2 velocities गिवन है तो फर्स्ट वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब बॉडी स्टॉप करेगी तो उसकी जो सेकंड वेलोसिटी यानी वी एफ जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक बॉडी जिसका मास 5 kg है वो मूव कर रही है 10 m/s की वेलोसिटी से,
हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस बॉडी के मोशन को रोकने के लिए, कितने टाइम है, 2 सेकेंड के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने जो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ है उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा, दैट इज पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। इसको न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इसके इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस फोर्स को फाइंड करेंगे। देखें, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पी आई था अभी हमने बात की, वो किसके इक्वल था जी, वो था एम इंटू वी आई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 kg यानी मास, और वी आई की जगह 10। तो हमारे पास ये आ गया इसका जो इनिशियल मोमेंटम है 50 न्यूटन इंटू सेकेंड। सिमिलरली जो फाइनल मोमेंटम का भी आपने फार्मूला सीखा कि जो पी एफ है वो किसके इक्वल है, एम इंटू वी एफ। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, तो जो वी एफ है यानी जब बॉडी स्टॉप होगी तो वो कितनी है, 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो फिर इस फार्मूला को यूज करें जो अभी हमने डिवेल्प किया, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो जो पी एफ है वो क्या था हमारे पास, वो 0 है उसकी वैल्यू, और जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है पी आई उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं वो 50 है। तो यहाँ पे हमें जो फोर्स मिलेगी उसकी वैल्यू है 25 न्यूटन। अब यहाँ से आपने परेशान नहीं होना कि इसने जो है वो 50 न्यूटन पहले लिखा और 0 बाद में लिखा है। एक्चुअली इसने जो है वो मैग्नीट्यूड ही फोर्स की फाइंड की है। तो अगर हमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, पी आई माइनस पी आई ओवर टी। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो 25 न्यूटन ही होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें अगर ये बॉडी मूव कर रही है इसको स्टॉप करना है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, हमें जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो कितनी हो गई, 25 न्यूटन हो गई। और अगर मैं यानी 0 माइनस 50 ओवर 2 करूँ तो -25 आएगा। उसका मतलब ये है कि ये जो मोशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक का नेक्स्ट आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करेंगे।